नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण भनोट सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में एज ए डायरेक्टर ऑफ स्पाइन सर्विसेज के तौर पर काम कर रहा हूं। और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ रीढ़ की कुछ कॉमन समस्याएं जो हैं उनके बारे में बात करेंगे और अधिक ज्यादा फोकस इस चीज पे रखेंगे कि कैसे अपने आप को हम इन रीढ़ की हड्डी की समस्याओं से या स्पाइन प्रॉब्लम से अपने आप को बचाए रख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने आमतौर पर सुना होगा कि रीढ़ की हड्डी के अंदर लोगों को चनक आ जाती है या स्लिप डिस्क हो जाती है, जिसकी वजह से पीठ में दर्द या कूल्हे में या टांग में दर्द आता है। इसको हम शियाटिका भी बोलते हैं। ये रीढ़ की हड्डी की एक सबसे कॉमन समस्या है। इसी तरह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक बहुत कॉमन समस्या है, जिसमें गर्दन में दर्द रहता है, कभी कंधों में दर्द आता है या साथ साथ कभी बाजुओं में भी दर्द आ सकता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं आज के युग में, और इनको समझने के लिए इनके कारण पे जाएं तो इसका जो निवारण है उस पे भी हम बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। आजकल ये समस्याएं ज्यादा इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल होता जा रहा है। भाव ये है कि हम अधिक से अधिक काम जो है वो बैठ के करते हैं। अधिकतर लोगों को काम में कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप या टैब वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, और जो पहले समय में पुराने समय में जो काम हम चल के फिजिकल एक्सर्शन करके करते थे वो काफी कम होते जा रहे हैं। जैसे छोटी मोटी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए लोग घर से बाहर निकलते थे, आज के जमाने में हम घर पे ऑर्डर कर देते हैं। सो हमारा जो बिना एफर्ट किए जो चलना फिरना होता था, जिस वजह से शरीर की जो अंग हैं उनमें ऑटोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती थी चलने फिरने की वजह से, वो कम होती जा रही है। और जो हमारे जोड़ हैं या रीढ़ की हड्डी के डिस्क हैं, इनमें स्टिफनेस ज्यादा आनी शुरू हो गई है, और यही कारण है कि हमें आज की डेट में इन समस्याओं को ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो जैसे हमने समझा कि कारण है हमारा लंबे समय तक बैठे रहना, सो अगर हम इस चीज को अवॉइड कर पाए कि हम हर थोड़े समय के बाद बैठने के बाद अगर एक्टिवली चल थोड़ा सा चाहे एक दो मिनट का भी ब्रेक ले लें, तो वो जो हमारे शरीर के अंदर स्टिफनेस पैदा होनी शुरू होती है उसको हम जल्दी ही उस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर रेगुलर व्यायाम करें, एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, चाहे वो रीढ़ की हड्डी की स्पेसिफिक फोकस्ड एक्सरसाइजेज हों जिसे हम फिजियोथेरेपिस्ट से समझ सकते हैं, या अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर की केयर में योगा सीख सकें, या इवन फॉर दैट मैटर अगर सिंपल वॉक और स्ट्रेचिंग कर सकें, तो ये सब चीजें जो है हमें लॉन्ग टर्म में स्पाइन की समस्याओं से बचने में काफी हद तक सहायक होती हैं। इसी तरह अगर हमें हमारे काम में मान लीजिए कोई वजन उठाने की जरूरत पड़ती है, उसमें हम सही टेक्निक को लर्न करें, उसको सीखें और फिर उसको अपने जीवन में अपनाएं। जैसे कि अगर भार उठाना ही पड़े तो उसको अपने शरीर के बिल्कुल पास रखें और वेट को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके उठाएं, रादर देन कि एक ही हाथ से सारा वजन उठाएं, और उतनी क्षमता का यूज करें जितनी आपका शरीर अलाउ करता हो। अपने शरीर की कैपेसिटी से अनड्यूली हाई अमाउंट ऑफ वेट मत उठाएं। इसी तरह लो सिटिंग एरिया पे बैठने से परहेज करें। जब हम लो सिटिंग में बैठते हैं तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती, जब उठने लगते हैं तो रीढ़ की हड्डी के लोअर बैक वाला जो हिस्सा है उसमें स्ट्रेसेस बढ़ जाते हैं, और फिर वो अगर हड्डी रीढ़ की हड्डी कमजोर है तो उसके अंदर वो तकलीफ पैदा कर सकते हैं। सो रेगुलर एक्टिव लाइफस्टाइल, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और लंबे समय तक बैठने से परहेज करने से हम इन कॉमन रीढ़ की हड्डी की समस्याओं से अपने शरीर को बचा सकते हैं। धन्यवाद।